हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मल्हार है और आपका स्वागत है मेरे चैनल म्यूजिकल मल्हार में। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले एक ऐसे उपकरण का CTX 9000 है। तो इसके बारे में आपको दो चीजें बताने चाहूंगा। पहली कि अगर आप पियानो प्लेयर है और आप बिगिनर और उसमें भी आप एक क्लासिकल म्यूजिक के दीवाने हैं, अगर आप क्लासिकल म्यूजिक बजाना चाहते हैं इस कीबोर्ड के साथ, तो आपका एक बेहतरीन कीबोर्ड माना जा सकता है, क्योंकि इसके फीचर्स जो है बहुत ही बढ़िया है। इसकी इंडियन रिदम, सीडीएम ताल। और दूसरी बात आपको ये बताना चाहूंगा, इसकी प्राइस की हम बात करें तो इंडियन मार्केट की इसकी प्राइस है 22,500 रुपए और आप होलसेल में खरीदना चाहोगे तो 18,500 या 20,000 तक आपको ये मिल जाएगा। इसकी प्राइस की हम बात करें 22,500, जो इसके हिसाब इसके जो फीचर्स है उसके हिसाब से इसका दाम कई गुना कम है, क्योंकि इसके फीचर्स है वो हमें रोलैंड और यमाहा के बड़े बड़े जो केसियोज आते हैं उसके हिसाब से हमें इसकी प्राइस जो है इसके फीचर्स के हिसाब से बहुत ही लो है। इसने सारा मार्केट हिला डाला है कीबोर्ड का। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। कर दिया है और प्लग के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है। तो सिंपली हम चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे पियानो लिखा गया है, स्पीकर ऑन हो गए, तो हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। यहाँ ट्रांसफर्स, ऑक्टेव, अपर लेयर स्प्लिट वगैरह का ऑप्शन दिया गया है। ये हमारा नंबर पैड है। उसके बाजू में हमें ये दिया गया मिक्सचर और फंक्शन एडिट कर सकते हैं यहाँ से, जो हम पेन ड्राइव के थ्रू यहाँ से डालेंगे वो हम यहाँ पे लोड कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। ये हमें दिया गया रिकॉर्ड स्टॉप, सॉन्ग बैग, रिदम, टोन, कैटेगरी, उसके बाद फ्रीज बैंक, स्टोर, ये फ्रेश पैड है हमारा, और ये रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप अलग अलग रिदम को सेट कर सकते हो, देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे हमें दिए गए स्टार्ट, स्टॉप, और ये जो सारे वेरिएशन से वो हमें रिदम के हिसाब से हमें अलग अलग चेंज मिलता है यहाँ पे। और ये बहुत बढ़िया चीज दी गई है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्रुप सिलेक्ट दिया गया, पियानो, ऑर्गन, गिटार, और जो मैं मेन बात करने वाला हूँ वो इंडियन रिदम्स के बारे में। दूसरा कि यहाँ रिदम में भी आपको दिया गया है इंडियन रिदम्स और टोन्स, अलग से फंक्शन उसका दिया गया है, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है।
सिंपली आपको यहाँ पे इंडियन पे प्रेस करते ही सारी की सारी जो इंडियन रिदम्स वगैरह है वो आ जाएगी। और इस तो हम पीछे की ओर बात कर लेते हैं, ये हमारा मेन पावर का पॉइंट है डीसी 12.4 वोल्ट, ये हमारा पेडल का, ये भी पेडल का, ये ऑडियो इन है, ये माइक का वॉल्यूम है, ये माइक के लिए है, हेडफोन्स, यहाँ पे 3.5 mm का जैक लगेगा, ये हमारा है एम्पलीफायर के लिए, इससे हम एम्पलीफायर के जो दो मेन पॉइंट्स आते हैं वो यहाँ पे हम लगा सकते हैं। दूसरा के यहाँ मेन चीज है वो हमें दी गई है USB पोर्ट्स, यानी कि यहाँ पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं और ये USB पॉइंट दिया गया है। यहाँ जो USB पोर्ट दिया गया है उसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, ये कैसे यूज करते हैं इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। ये नंबर पैड है, नंबर पैड को सिंपल तरीके यूज करने के लिए दिया गया है, इससे हम आगे बढ़ सकते हैं और पीछे जाने के लिए। तो हम इंडियन टोन के बारे में यहाँ जान लेते हैं, तो हमने ये टोन प्रेस किया, उसके बाद ये आप ये देख सकते हैं ग्रुप सिलेक्ट में इंडियन के ऊपर आप क्लिक करते हैं आपको सारे के सारे इंडियन टोन यहाँ पे मिल जाएंगे, सारोग, वीणा, संतूर, तानपुरा, सभी टोन आपको मिल जाते हैं, शहनाई, बांसुरी। और रिदम की हम बात करें तो यहाँ पे आपको सिंपल ये रिदम सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे इंडियन रिदम के ऊपर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट का बटन दबा दे, आप देख सकते हैं कि भांगड़ा, दादरा, यहाँ पे ताल भी दिए गए हैं क्लासिकल म्यूजिक के, गरबा, केरवा, डांडिया, उसके बाद तीन ताल भजन के लिए भी है यहाँ पे। तो इस तरह से ये हमारा कैसियो जो है उसका सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। इसका प्राइस भी रिजनेबल है। इसके फीचर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे, इसके सभी फीचर्स के बारे में डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि इसका एक एक फंक्शन आपको कैसे यूज करना है, इसका मिक्सर भी हम आपको दिखाएंगे, इसका एडिट भी कैसे करना है, इसको रिकॉर्ड प्ले, सारे के सारे फीचर्स हम आपको एक एक शॉर्ट वीडियो बना के सभी फीचर्स के बारे में आपको बताएंगे डिटेल में। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, रहे मेरे चैनल के साथ, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।